अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की सब्ज़ी। मूली की सब्ज़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट शामिल होंगे वो मूली कटी हुई 1 किलो, उसके पत्ते मैंने बारीक काट लिए हैं, और कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, नमक, हसबे जायका, टमाटर 1 अदद बड़े साइज़ का, प्याज 1 बड़े साइज़ की, लहसुन 12 चम्मच। चलें हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। पैन में हम पानी ले लेंगे, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मूली और इसके पत्ते ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। हमारी मूली बॉइल होती है, इतने हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। अब हम पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। हमारे अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें लहसुन जो हमने बारीक जो हमें काट उसके और प्याज ऐड कर देंगे, जीरा भी ऐड कर लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना हल्का सा सौते कर लेना है, जिसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च और नमक, टमाटर जो हमने ये था उसके साथ इसको भून लेंगे अच्छे से। हाफ कप पानी लेके इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। इतना हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है, अब हम इसको छान के अलीहदा कर लेंगे। मूली हमारे अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसे बारीक मैश कर लेंगे और इसको पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे। हमने इस तरह से ड्राई कर लिया है, अब इसको इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये 3-4 हरी मिर्ची हम इसको काट के इसमें ऊपर से डाल देंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। हमारी मूली की सब्जी तैयार है, हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारी मूली की सब्ज़ी तैयार है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।